प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बहुत स्वागत है आपका प्राइम चर्चा में। यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। पक्ष विपक्ष लगातार रैली कर रहे हैं, जनता के बीच अपने काम गिना रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो आखिर इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, किसने विकास कार्य किया है और कौन विकास कार्य बेहतर तरीके से कर सकता है, जो मौजूदा विधायक है जनता उनसे कितनी खुश है और विपक्ष किन मुद्दों को उठा रहा है, किन वादों और दावों के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है, इन सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है हमारे साथ 195 भोजपुर विधानसभा फरुखाबाद से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर जी, जो कि आज हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगी कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास कार्य सोच के रखे हैं, अगर वो जनता के बीच जा रही है तो किन मुद्दों के साथ जा रही है और किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी, तो हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगी। जिनसे आज हम कई सवाल करेंगे और चर्चा करेंगे कि उनके विधानसभा में किन चीजों की कमी है और जो इस वक्त मौजूदा विधायक है उनके काम में उनको क्या कुछ कमी नजर आती है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चुनावी वक्त है और ऐसे में कई दावे और वादे किए जा रहे हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो उस क्षेत्र की कायाकल्प कर सकता है, उस वहां पे बदलाव ला सकता है, विकास कार्य कर सकता है। जो भी कमी है वो चाहे कच्ची सड़क हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सबको बेहतर करने में अपना योगदान देगी पार्टियां, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ अलग ही नजर आती है। और इन्हीं जो तस्वीरें हैं उस पर हम सवाल करेंगे और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ विधानसभा फरुखाबाद से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर जी जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल है और आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही हैं। देखिए, विशेष रूप से भोजपुर विधानसभा की यदि हम बात करें जी, तो आज ऐसा लगता है कि फरुखाबाद में जैसे विकास हुआ ही नहीं है। सड़कों की बहुत दयनीय दशा है, बिजली भी जर्जर अवस्था में है जी, और पीने वाले पानी की सर्वाधिक किल्लत है। रोजगार की बात या अन्य मुद्दों की बात तो हम तब करें, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं ही यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बिजली पानी और सड़क जी। तो मेरा जो मानना है, बहुत सारे मोहम्मदाबाद ब्लॉक और कमालगंज ब्लॉक, ये दो ब्लॉक हमारी विधानसभा में लगते हैं जी। इतने दिन हो गए हैं आजाद हुए और ऐसा लगता ही नहीं है कि भोजपुर विधानसभा में आने के बाद कि हम उस भारत में निवास कर रहे हैं जो विकसित राष्ट्र की संज्ञा में आता है जी। आज तक बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कनेक्ट ही नहीं है, बहुत सारे गांव हैं जो यही नहीं जानते हैं कि सड़क कहते किसे किसे हैं, जैसे छछोनापुर है, नगला धनु है, पाल नगला है, डुबका है, बिंजी है, गुलरिया नगला है, एक कुछ कुछ ये हुए और एक कल्लू नगला है, धारा नगला है, जंजाली नगला है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां बिल्कुल जाना दुर्लभ है। गांव में ना पानी की व्यवस्था है ना बिजली की, और यहाँ विधिवत रूप से छपाई होती थी और पूरे ही देश में प्रसिद्ध थी यहाँ के जी। अर्चना जी, हम विधायक जी से भी बात कर चुके हैं, मौजूदा विधायक जी ने बताया था कि उनकी सरकार से पहले वहां का बहुत बुरा हाल था, मौजूदा विधानसभा का, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने के बाद बहुत विकास कार्य किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, तो मौजूदा विधायक जी ने तो अपने काफी काम गिनाए और आप बता रही है कि वहां पे बहुत कुछ कमी है, तो ये कैसे संभव है? नगला धनु, पाल नगला, दोका, बिंजी और गुलरिया नगला, ये ऐसे गांव हैं जहां अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है। अगर विधायक जी ने सड़क बनवाई है, उससे पहले विधायक जी ने सड़क बनवाई है, उससे पहले विधायक जी ने सड़क बनवाई, मैं ये नहीं जानती। मैं तो यहाँ जब आई तो फिर मैंने ये देखा, जो देखा मैंने, मैं गाँव गाँव लगातार जा रही हूँ, कोई मजरा मैंने नहीं छोड़ा जहां मैं खुद पैदल ना चली हूँ। तो आप और ये सड़क तो शायद सभी लोग जानते हैं कि फरुखाबाद आना मुश्किल है जी। विधायक जी तो अपने काम गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करवाने में भी काम किया है, काफी काम किए हैं।
रही बात स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो कल मैंने एक छोटा सा कैंप लगवाया था, जी और आप देखिए कि जरा सी कोई भी प्रचार प्रसार के बिना सैकड़ों की संख्या में लोग आए और उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो कि हमने कानपुर भेजा है। तो आप सोच लो अगर बहुत ज्यादा सुविधाएं सारी यहीं दी होती तो जरा शॉर्ट नोटिस में इतने मरीज एक साथ शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज मोधा फरुखाबाद में ना आ जाते। जी तो ना, तो ये सच है कि सभी सरकारें डेवलपमेंट तो करती ही हैं, लेकिन ये सच है कि क्षेत्रीय जो नेता होते हैं वो उतनी संजीदगी से इन सब चीजों को नहीं लेते हैं, जिसका कारण है कि सरकारें फेल होती हैं। जी अर्चना जी, बड़े बड़े चेहरे तो जनता के बीच आते हैं, कई दावे और वादे करते हैं, लेकिन जो छोटे स्तर पर जो जनता के बीच प्रतिनिधि होते हैं वो अगर सही से काम करें तो पूरे देश का विकास हो सकता है। तो आपको कहाँ कमी नजर आ रही है कि इस वक्त कहाँ काम में कमी है, जो कि अगर आप कार्यभार संभालती हैं तो उसको बेहतर कर सकती हैं? देखिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि नेता केवल जो कुछ गांव में तो जाते नहीं है, बल्कि जो बहुत दूर के ठेकेदार होते हैं उनसे मिलके बात कर लेते हैं और वो कह देते हैं विकास हो गया है। मेरा मतलब है कि अगर आपको प्रतिनिधि चुना है जनता ने, तो आपको स्वयं गांव-गांव जाना चाहिए कि जो वादे आपने किए थे क्या वो पूरे हुए अथवा नहीं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से विकास संभव है। और छोटी सी बात आपको बताऊं कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नेताजी ने, वो भी सेफई गांव के ही रहने वाले थे जी, तो अगर उन्होंने अपने गांव को संजीदगी से लिया, अपने क्षेत्र को इस तरीके से बनाया, तो कोई भी विधायक और कोई भी सांसद कर सकता है। बिल्कुल, तो उसी तरीके से, क्योंकि हमेशा लोगों से जुड़ के काम करें। बाद में होता क्या है, जब विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वो ये सोचने लगते हैं कि किस तरीके से अपनी ठेकेदारी को आगे बढ़ाया जाए और अपने खुद को मजबूत किया जाए। जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेता वही है जो जनता के बीच रहे, और मैं अपनी जनता से भी ये आह्वान करती हूँ कि खुद को अगर जिंदा रखना चाहते हो, ये विवेकानंद जी का कथन है, तो गलत का विरोध करना सीखो जी। क्योंकि लहर के साथ तो लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। तो आप तैराक बनिए, लाश नहीं। कि हवा में आप वोट कर देते हैं मत करिए, आप व्यक्ति को चुनिए कि जिसको आप वोट देने जा रहे हैं वो आपका विधायक बनने लायक है या नहीं, वो आपका सांसद बनने लायक है या नहीं, वो आपका प्रधान बनने लायक है या नहीं। तो जन प्रतिनिधि ऐसा चुने जिसके विषय में आप जाने और उसके कार्य को जाने। तो इसलिए ये जागरूकता भी बहुत जरूरी है। होता क्या है कि गांव के लोग जो मैंने यहाँ आके देखा, ये जानते ही नहीं है कि उनका प्रतिनिधि का नाम क्या है, उनका विधायक के नाम क्या है, उनके सांसद का नाम क्या है। वो कहते हैं बिटिया हियन तो जब हम आए तो बताइए कि जहां साइकिल वोट दे दो तो हमने साइकिल में दे दो जी। जब जागरूकता की कमी और है जनता के महिलाएं कहती हैं हाँ जी, तो ये अवेयरनेस जरूरी है। तो मैं पूरी तरीके से प्रयास में हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की चूंकि मैं प्रतिनिधि हूँ तो मुझे ही चुनो जी। आप ये सच है कि जो काम अभी तक आपने देखे जी, और यदि आपने मुझे चुना तो आगे जो आप देखेंगी वो सामाजिक परिवर्तन वास्तव में होगा जी। और अर्चना जी, मैं बड़े बेटी चेहरों हूं, को देखते हुए और मुझे लोग अपना वोट दे देते हैं, कई बार सुना सुनी बातों पे ही अपना वोट दे देते हैं, तो क्या बड़े चेहरों को देखते हुए वोट देना चाहिए या फिर जो आपके क्षेत्र में काम कर रहा है उसके हिसाब से वोट देना चाहिए? हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो काम कर रहा है उसके हिसाब से वोट देना चाहिए जी। बड़े चेहरों को देख करके वोट करने से ही ये जो अनियमितताएं आती हैं वो इसी कारण से आती हैं जी। जनता कई बार बदलाव के लिए वोट दे तो देती है, कई बार सुनी सुनाई बातों पे भी वोट दे देती है, लेकिन बाद में पछताती है। तो आखिर कैसे लोग जागरूक हो सकेंगे कि कौन जो प्रतिनिधि है उनका काम करेगा, विकास कार्य करेगा, आखिर किन चीजों को देखते हुए अपना वोट देना चाहिए जनता को? उसका जो प्रतिनिधि आपका है उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका सामाजिक स्तर बहुत कुछ मायने रखता है जी। तो देखिए, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं अनुयायी हूँ आदरणीय लोहिया जी के विचारों की, मैं अनुयायी हूँ आदरणीय नेताजी के विचारों की, मैं अनुयायी हूँ आदरणीय शिवपाल सिंह जी के विचारों की। उन्होंने हमेशा किसान हित में बात करी, नौजवान हित में बात करी जी। और मेरा जो कार्यकाल रहा पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग, वो कार्यकाल आप देख सकते हैं, मैंने खुद के अपने, मतलब आज भी रिकॉर्ड हमारे मौजूद हैं कि 36,000 मुकदमों का अवलोकन किया 5 सालों में, और उनमें 18,000 मुकदमे सुलझाए, और साथ में
जो शेष थे उनमें लोगों को सजा हुई। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अगर सही रास्ते पे चलोगे, और मैं जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी अगर मैंने 100 नल का वादा किया तो एक साथ 100 नल आए और लोगों के लगे। आज मैं देखती हूँ कि खुद विधायक हैं, खुद अपने कलम से सब कुछ कर सकते हैं, खुद सांसद हैं, अपने कलम से उनकी कलम में ताकत है कि वो नल और नाली की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल अर्चना जी, जिस तरह से आप महिला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रसपा की, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ काम करना चाहती हैं? मैं महिलाओं को स्वरोजगार देना चाहती हूँ। बहुत जी सारी ऐसी योजनाएं होती हैं महिला कल्याण के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत, सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं अगर सरकारी तौर से लाई जाएं, क्षेत्र में उतारी जाएं, जी तो अधिक से अधिक महिला स्वावलंबी बन सकती है। और जी मेरा कहने का और मेरा मानना है कि यदि देश की आधी आबादी घर में बैठ के केवल रोटी पकाएगी और विकसित राष्ट्र की कल्पना हम लोग करते हैं, कभी नहीं हो सकती। देश की आधी आबादी जब कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी और स्वावलंबी होगी और खुद रोजगार देने लायक वो बनेगी, तो जी निश्चित रूप से घर का विकास होगा, उस समाज का विकास होगा, उस गांव का विकास होगा, उस बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा। अर्चना जी, मौजूदा सरकार भी इन्हीं सब चीजों पे काम कर रही है, महिलाओं के लिए कई योजनाएं परियोजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है, या किस वजह से लोग अभी उससे दूर है? और आप उन चीजों को कैसे जनता तक पहुंचाएंगी, जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए? ये मैं आपको बताऊं कि ये सच है कि सरकारें योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन जी जो सरकार की प्रतिनिधि हैं और जो आपका शासन, जो शासन व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से कागजों पे कार्रवाई करने में तो बहुत माहिर है, लेकिन उसको जमीन तक उतारने में बिल्कुल हमें नहीं लगता है, क्योंकि अगर वो जमीन तक ले जाएगी तो शायद जितना पैसा उनको कागजों पे काम करके और पुनः निकालने से जेब में भर जाती है वो शायद नहीं भरेंगी। तो कोई ना कोई तो प्रतिनिधि ऐसा चाहिए ना जी जो आवाज उठाए, और मैं शायद मैंने आवाज उठाई है और ये सबको मालूम है। जी मैंने महिला कल्याण के तहत उस समय भी सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, जी मैनपुरी जो हमारे कार्यक्षेत्र रहे हैं चित्रकूट, बहुत सारा काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि जी चूंकि ये जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मैं अपने इस प्रभावाद में दिशा और दशा बदलना चाहती हूँ। जी जनप्रतिनिधि के मामले में जो लोगों के विचार हैं उनको बदलना चाहती हूँ, क्योंकि वास्तव में जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, लेकिन आज होता क्या है, जनप्रतिनिधि के सामने जाने में लोगों को डर लगता है। मैडम मैं बताऊं कि जिस समय मैं अक्टूबर पिछले जी जब आई तो मैंने यहाँ इतना ज्यादा ताकत जिसको कहते हैं कि अगर आप ये बात कहेंगे तो विधायक जी नाराज हो जाएंगे, सांसद जी नाराज हो जाएंगे और पुलिस की प्रताड़ना आपको शुरू हो जाएगी। 2 महीने तो मुझे स्टडी करने में लगा, उसके बाद फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज स्थिति यह है, ना व्यक्ति पुलिस से डर रहा है और ना सही बात कहने में डर रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लोग स्वीकार कर रहे हैं, विशेषकर महिलाएं और नौजवान। मैं कुछ ऐसा करना जी चाहती हूँ जिसमें अधिकाधिक लोगों को रोजगार दे सकूँ, जी क्योंकि आज अर्चना जी, जिस फरुखाबाद तरह से महिला सुरक्षा की बात कही जाती है और कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है और ऐसे जनप्रतिनिधि को लोग ढूंढते हैं जो उनकी मदद कर सके, अगर आपके पास ऐसे मामले आते हैं तो आप इन चीजों का हल कैसे निकालती हैं? यूं तो पहले तो मेरा ये रहता है कि देखिए जो उच्च अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी, जी सीओ, जो गजेटेड अफसर्स हैं, वो बात को सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहां तक कोई बात पहुंचाने वाला नहीं होता है। तो बिल्कुल मेरा है कि मैं तुरंत सीधी उन्हीं से बात करती हूँ और उसके बाद लोगों को न्याय मिलता है, चाहे लोगों की जमीन कब्जे का रहा हो और चाहे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रही हो जो थानों से उनको प्रताड़ना मिलती है। तो मेरा मतलब है कि मैं उन तक बात पहुंचाती हूँ। यहाँ के जो भी अधिकारी रहे अभी हैं वो याद थे, उन्होंने सुना और उनका निराकरण किया। तो मैं जी प्रशासनिक अधिकारियों का भी इस मामले में उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि सही बात को सुनते हैं। और उसके बाद जो दूसरा रहता है, अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हमें सुनाना आता है कि जी प्रजातंत्र ही सबसे बड़ी ताकत है। और उस समय मैं जैसे ही धरने पे बैठी और जनता हमारे साथ होती है तो जी लोग उसको उसका निराकरण करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए, चाहे बिजली की व्यवस्था को लेके कमालगंज का ही मामला था, और फिर 24 घंटे नहीं, 5 घंटे के अंदर
सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए, जन प्रतिनिधि को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैं हमेशा इसी रास्ते पे चली और आगामी समय में भी जो भी समय मुझे मिलेगा तो निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलेगा। अर्चना जी, किसानों के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है प्रसपा द्वारा? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी तो सत्ता में नहीं है, ये काम तो तब होता है ना जब सत्ता, लेकिन दावे और वादे तो किए जाते हैं आपके मैनिफेस्टो में, क्या कुछ है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हम ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया ना, इससे पहले जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी मंत्री थे तो आपने देखा कि किसानों के लिए सरकारी ट्यूबवेल्स की सिंचाई फ्री थी, नहरों में टैंक तक पानी था और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में हमारी सरकार ने जो काम किया उसी का लाभ आज ये लोग ले रहे हैं लेकिन उसको बेच रहे हैं। उसके बाद जो गरीब किसान थे उनके यहाँ एक पंखा और एक बल्ब जलना फ्री था। तो आगामी समय में भी हम किसानों के लिए और अरे अभी दूसरी बात आपको बताऊं कि अभी आलू का सीजन चल रहा था, जो मारा मारी और किसानों को झेलनी पड़ी वो शायद कभी भी कहीं भी आज तक मैंने नहीं देखा, इतिहास में नहीं देखा, इतनी लंबी कतार। उसके बाद जब किसान हमसे मिले तो जो भी मैं व्यवस्था दे सकती थी, जो कर सकती थी वो मैंने किया अपने आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के मदद से। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी फिर से अगर सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से जो किसानों का भला वो हमेशा करते रहे वो करेंगे और जो उनका सरकारी कर्जा है वो, तो पिछली बार भी उन्होंने 50,000 तक सहकारी बैंक का माफ किया था, हम फिर से करेंगे। और हाँ, बच्चों के लिए मतलब जो लड़के और लड़कियां पढ़े लिखे हैं उनमें से उनका मानना है हमारे मैनिफेस्टो में है कि एक घर के एक सदस्य को हम कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी मिले। और जो पढ़ने और लिखने के बाद भी बच्चे बेरोजगार हैं तो ऐसे बच्चों को सरकारी बैंक से 5 लाख तक का लोन मिल सके जिससे वे स्वरोजगार की स्थापना कर सके। कुटीर उद्योग लगाने का हमारा विचार है। और स्वास्थ्य के विषय में अगर देखें तो गांव-गांव जो स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं, सरकारी अस्पताल को जो हैं वो तो उनकी दशा आप देख ही रहे हैं, लेकिन हम लोग मोहल्ला क्लिनिक प्लान बनाने का काम करेंगे गांव-गांव में एक क्लिनिक को जिसमें कि लोग दूर दूर तक ना भटके। महिलाओं के लिए मैंने बताया कि बहुत सारी एनजीओ हैं जो बहुत काम करना चाहती हैं, मैं उनके माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने को पूरी व्यवस्था करूंगी और सरकार से जो भी मिल सकता है बेनिफिट महिलाओं को वो मैं दिलाने का प्रयास। जी बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि जिस तरह से वादे और दावे किए जा रहे हैं उस पे जनप्रतिनिधि जो भी चुना जाए वो खरा भी उतरे। हम चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश देना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से जनता को तो वो भी दे दे। मैं आपके चैनल से भोजपुर निवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। मेरी इच्छा और आकांक्षा यही है कि सभी रोगी हों, मैं कुछ ऐसी व्यवस्था अपने डिस्ट्रिक्ट में दे सकूं जिससे कि लोगों को न्याय मिले। साधक, धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर इस चर्चा में हमारे साथ 195 भोजपुर विधानसभा फरुखाबाद से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर जी जुड़ी थी, जिन्होंने ये बताया है कि वो अगर जनता के द्वारा चुनी जाती हैं तो जनता के विकास करेंगी और उनके जितनी भी परेशानियां उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगी। प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।